हेलो, मैं शोभा सिंह। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दम अरबी। अभी तक आपने बनाया खाया होगा दम आलू। आज हम बनाएंगे दम अरबी, खा के देखिए, बहुत टेस्टी होगा। उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो अरबी। अरबी आप एक चीज़ ध्यान रखें, इस तरह लंबी लंबी होनी चाहिए, मतलब तो छोटी अरबी नहीं हो, इस तरह से लंबी लंबी। दो प्याज, थोड़े से तेज पत्ते, थोड़ा गरम मसाला, 8-10 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े इस तरह से, अदरक का टुकड़ा, एक गांठ लहसुन की, 3 टमाटर, आधा कप दही। मसाले में चाहिए हमें 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और सरसों का तेल। अब हम इसकी तैयारी करते हैं अरबी को। पहले से हमने अरबी धो के, थोड़ी देर पहले आप भी धो के इसको रख लें, जिससे इसका पानी पूरा सूख जाए, वरना अरबी क्या होती है, छीलते टाइम पूरे हाथ लिबलिबे हो जाते हैं, मतलब लेसा छोड़ता है ये। अरबी को इस तरह से छील के सारे अरबी को आप इस तरह छील के ऐसे लंबे लंबे काट के रख लें, इस शेप में ऐसे, ठीक है। सारे अरबियों को आप इसी तरह से काट लें। अरबी को देखो, इस तरह हमने लंबी लंबी काट ली है सारी। अब इनको क्या करेंगे, चक्कू से थोड़ा कट लगा देंगे, जैसे कि अंदर तक सिक जाएंगे ये आराम से। इस तरह सारी अरबी को कट लगाना है हमें। ये अरबी हमारी कट लगा के सारे तैयार है। तेल इतना होना चाहिए कि आपकी अरबी अच्छे से उसमें तल जाए। बाद में हम एक्स्ट्रा तेल को हटा देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या, थोड़ी थोड़ी करके अरबी को हमें फ्राई कर लेना है। हमारा तेल देखिए गरम हो चुका है अच्छे से। अब हम गैस को स्लो कर देंगे, फिर धीरे धीरे करके एक एक अरबी इसमें डाल दीजिए आप। इस तरह सारी अरबियों को तल के निकाल लेना है हमें। हल्का ब्राउन कलर करना है, ज्यादा डार्क शेड नहीं देना है आपको। इस तरह से गैस को मीडियम रखिए। अभी अरबी हमारी तल चुकी हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में सारी अरबी निकाल लेते हैं। हम देखते हैं तेल अभी हमें थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। थोड़ा सा हम तेल कम कर देते हैं, यदि हमें चाहिए तो बाद में हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें डालना है इसमें ये जो हमने गरम मसाला रखा है, इसको डाल देना है। तेज पत्ता भी डाल देना है। अब हमें इसे प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसको डाल देना है। अब इसको धीरे धीरे चलाते हुए भूनिए। अच्छे से भूनना है, करना क्या है, इसके आज की कच्ची स्मेल आएगी। अब इसमें हम जो मसाला रखा है, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक, इसको ऐड कर देंगे। तीन टमाटर की हमने ये देखिए प्यूरी बना ली है। आपको टमाटर काट के नहीं डालना है, प्यूरी बना के ही डालना है इसमें। थोड़ा और इसको भूनना है, गैस थोड़ा स्लो कर दें भूनते टाइम, नहीं तो क्या होगा, मसाला नीचे गलने लगेगा। अब देखिए मसाला किनारी छोड़ रहा है, अब ये हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें हरी मिर्च रखिए थोड़ी सी काट के, इस तरह लंबी लंबी पतली, 1 या 2 मिर्च काफ़ी है इसके लिए, इसको डाल दें। अब हम डालेंगे दही, 1/2 कप दही रखा है हमने, इसको इसमें ऐड कर देते हैं। गैस स्लो रखनी है आपको, जब तक ये दही अच्छे से मैश नहीं हो जाए आपको इसी तरह चलाना है। आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में आपकी दम अरबी बिल्कुल तैयार है। अब देखिए दही बिल्कुल मैश हो गया अच्छे से। अब हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे इसमें। इसको थोड़ी उबाल आने तक हमने ऐसा ही रखना है, थोड़ी उबाल आ जाए तब तक हम इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से चलाते रहेंगे।
अब हम इसमें अरबी हमने तल के रख रखी है, इसको ऐड कर देंगे। अच्छे से ऊपर नीचे चलाएं इसे, एक बार आप नमक मिर्च अपने हिसाब से चेक कर लें। उसके बाद इसे ढक के कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए दम होने दें। अब ये देखिए हमारी दम अरबी तैयार है बिल्कुल। इसकी ग्रेवी ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। अब इसमें हम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं देखिए इतना, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। अब इसे आप पूरी, पराठा, चपाती किसी के भी साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। आप चावल के साथ भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें जो दही है उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये आपकी दम अरबी तैयार है, आप किसी के भी साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।